इंदौर में 2 मार्च को कलेक्टर कार्यालय के सामने मंच लगाकर ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा हाथों में काले झंडे लिए विभिन्न मांगों को लेकर जंगी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रिक्शा चालकों ने पुलिस प्रशासन व आरटीओ पर भी कई तरह के गंभीर सवाल उठाए। शहर में सोमवार को बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा महासंघ द्वारा ओला, उबेर, रैपिडो, जुगनू व इन सभी जैसी ऑनलाइन कंपनियों व यातायात पुलिस आरटीओ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। रिक्शा चालक महासंघ के अध्यक्ष राजेश वेडकर के मुताबिक वह पिछले लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को महासंघ द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सामने मंच लगाकर प्रदर्शन किया गया। वहीं रिक्शा चालकों द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम दिया जाएगा, जिसमें प्राइवेट कंपनी ओला, उबर, जुगनू व अन्य ऑनलाइन गाड़ियों को लेकर प्रतिबंध करने की मांग की जा रही है। बेडकर के मुताबिक आज सिर्फ स्कूल ऑटो रिक्शा वाहनों ने प्रदर्शन किया है, यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।